नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Amazon में किसी भी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी कैसे खरीदते हैं, कैसे Amazon में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाए तब हम उसका पेमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों Amazon में किसी भी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी खरीदने के लिए ओपन करते हैं यहाँ पे शॉपिंग ऐप Amazon को। अब यहाँ पे Amazon शॉपिंग ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में आपको उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम मोबाइल को परचेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम कोई मोबाइल को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम नोकिया का 105 मोबाइल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसे ही हम फॉर एग्जाम्पल के लिए परचेज करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको जो भी डिटेल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की मैन्युफैक्चरर कौन है और भी इसके डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। हमें इस मोबाइल को परचेज करना है कैश ऑन डिलीवरी, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बाय नाउ। दोस्तों यहाँ पे आपकी एड्रेस आ जाती है, अगर आप अपने Amazon ऐप में एड्रेस ऐड नहीं किए हैं तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर इस एड्रेस में आपको कुछ चेंजेज करना है तो यहाँ पे एडिट एड्रेस पे आप क्लिक करके यहाँ से आप इसे चेंजेज कर सकते हैं। इसे चेंजेज कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेव चेंजेस। अब इसके बाद यहाँ से आपको अपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है कि आप ATM कार्ड से पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या फिर UPI से पेमेंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे UPI पेमेंट करने का ऑप्शन है और इसके बाद यहाँ पे है एड डेबिट क्रेडिट कार्ड ATM। अगर आप ATM से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा नेट बैंकिंग, लेकिन हमें इस मोबाइल को परचेज करना है कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि मोबाइल आने के बाद पैसे देने हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ये बदल गया है, यहाँ पे पहले होता था कैश ऑन डिलीवरी लेकिन यहाँ पे अब ये ऑप्शन पे ऑन डिलीवरी है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे ऑन डिलीवरी पे आप क्लिक कीजिएगा कैश ऑन डिलीवरी परचेज करने के लिए और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। तो यहाँ से आपके टोटल प्राइस आ जाती है, फाइनल प्राइस, और साथ ही यहाँ पे आ जाती है ये मोबाइल कब डिलीवर्ड होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 से 2 सितंबर के बीच में ये हमारा फोन डिलीवर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने मोबाइल की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक नहीं दो लेना चाहते हैं या फिर 3-4 लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा प्लेस योर ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पे हम प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये हमें मोबाइल लेना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ बता रहा था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।